तो गाइस मिलो हमारे बंदे से। हर किसी चीज में चाहे कितना ही बकवास हो, कितना ही भैया तो किसी काम का ना हो। ये भी भाई मेरी गलती है, मैंने इसको गाड़ी दे दी। राम राम भाई सब ने, उम्मीद है सब बढ़िया हो गए, यहाँ भी सब बढ़िया। स्वागत है व्लॉग में, और आज है 8 फरवरी और हम जा रहे हैं गुड़गांव। अरे मेरे दोस्त की बहन है, उसकी आज मेहंदी है और कल शादी, तो अभी बस रेडी हो रहे हैं और फिर निकलेंगे। अभी तो दिखाता हूँ क्या पहनूँ। तो ये है मेरे आज के कपड़े, ये मैं ग्रीन कुर्ता, उसके नीचे पजामी और ये अपना वेस्टकोट मेरा। तो मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ स्टूडियो, उससे पहले कॉफ़ी बनाऊँगा। स्टूडियो पर जाके साहब वेट कर रहे हैं मेरा, मैं लेट हूँ थोड़ी सी देर, और मैं इतना तैयार होऊंगा तो थोड़ा तो लेट होऊंगा ही। और बस फिर क्या, निकलते हैं अपना गुड़गांव जाना है, दिखाता हूँ कैसे है क्या है। चलो बाय। तो भाई लोग हम निकल गए हैं गुड़गांव के लिए, और अभी चले हैं तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं। जिंदगी सबको प्यारी है। और ये हमारे राकेश भैया मेरे को देख के चश्मा ढूंढते हुए, और इन्हें मिल गए शानदार चश्मा। और ये भाई नितिन, नितिन के साथ रमेश, रमेश ये राकेश भैया, और ये मैं आपका दोस्त होस्ट। और अभी ये चश्मा लगा के कहती गाड़ के काड़ा चश्मा हरियाणा का चोरा दिल्ली में आ रहा। तो अभी जा रहे हैं, आपको मैंने बोला था एक इंसान से मिलवाना है हमारा। हम तीन मस्केटियर्स हैं, मैं सोनू शर्मा और रजत बेनीवाल। तो रजत बेनीवाल से आज तक आप लोग मिले नहीं हैं, तो आज मिलवाता हूँ मैं उसको। अभी उसी को उठाने जा रहे हैं, मतलब लेने जा रहे हैं, उठाने तो क्या ही जाएंगे। मिलो हमारे बंदे से, द थ्री मस्केटियर्स का तीसरा मानस पाला राम। हेलो राम बॉयज, कैसे बुलाते हैं मेरे को, असली नाम रजत बेनीवाल है। मैं ये बता दिया रे, हमने इसका नाम रजत बेनीवाल है, इसके खड़ा बाल है जो उसको दुखी करता रहता है, फिर ये कूदता घूमता है। दुखी इन लोगों को करता है वहां भाई, बहुत दुखी। इसको कुछ भी बोलो ना, ये मारने भागता है फिर हमें। ज्यादा गली के कुत्ते हो है ना, उनसे कुछ भी हो गया तो और बाद करते। ये है वो जो गाय भगाता है, बताई थी ना हमने पूरी कहानी। ये है गाय डरती है इससे, बंदों वाले पता नहीं गाय डरती है। 6 फुट का सांड भागा आ रहा है, भागो यहाँ से, पूछ उठा के भागती है, गजब बेइज्जती है। तो भाई लोग हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे, और ये कुछ विला टाइप में है। ओ भाई बहुत धूप हो रही है, और फंक्शन है ओपन में, पर लोकेशन अच्छी है, डेकोर थोड़ा सूदिंग है, अच्छा है, और दिखाता हूँ अभी रुको। भाई ये कुछ लोकेशन है मेरे पीछे, देख सकते हो मेहंदी का सेटअप है पूरा। Change in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way
to win at life. I never miss, that's fact. Taking big swings, jam, you're the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? भाई शूट खत्म हो गया और हम जा रहे हैं अभी घर. और मैं गाड़ी नहीं चला रहा क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा मन कर रहा है इसके ड्राइविंग में बैठने का. काफ़ी टाइम बाद इसके ड्राइविंग में बैठ रहे हैं और जैसे ही बैठे हैं वैसे ये हो रखा है. ये कुछ ऐसा सीन है. तो पिछले एक घंटे से हम गुड़गांव से गुड़गांव पार नहीं कर पाए. टोल तो छोड़ो, टोल तक पहुंच नहीं पाए हैं. पता नहीं कैसी ड्राइविंग क्यों दे दी इसको गाड़ी हमने. मेरी गलती नहीं है तो नहीं आती है. कैसे भाई? ओए ओ भाई, देख रहा था कि क्या चल रहा है बच्चा. तो जैसे ही जाम खत्म होगा वैसे ही हम चल पड़ेंगे, वरना बैठे रहेंगे क्या करें. खाली पीली कुछ कर नहीं सकते, बैठे रहेंगे. और अंकल से मिलो. कैसे अंकल, क्या हाल है नितिन? रमेश भैया जिंदा है रे तू? हाँ भैया. कब से? पिछले 24 साल से. 24 साल का है तू? हाँ. अबे नहीं. हाँ. तेरी शादी होगी, तेरा बच्चा होने वाला है, तू 24 साल का ही रहेगा अभी भाई. पूरे 9 महीने लूडियो लूडिया बज रही है इसकी. लूडिया नहीं, लूडो की जगह डांडिया चली. लूडो की जगह डांडिया चली, फिर इसके सांप सांप को काटेगा. रमेश यार कुछ बता अपने बारे में. भाई जो रमेश अपने बारे में कुछ बताएगा, बता रमेश. भाई रमेश कुमार है. अच्छा. और मैं फोटोग्राफर हूँ. ठीक है. और 24 साल पुराना हूँ. ठीक है, समझ गया. नहीं पूरा पूरा फोटोग्राफी में नहीं बोले तो, जब से मैं आया हूँ. समझ गया. बस वैसे तो रमेश कुमार यादव नाम है. प्यार से लोग मेरे को पागल कहते हैं. प्यार से पगला भैया मेरे को पागल कहते हैं. पापा कहते हैं. निकम्मा कहते हैं. हर किसी चीज में कितना ही बकवास हो, कितना ही भैया तो किसी काम का ना हो. चाहे दीपक जैसा हो, हर चीज में करता रहता है. चाहे ये बंदा दीपक जैसा हो हर चीज में. कुछ बोल मत. देखा तुम लोगों को पता है मैं कैसा हूँ, लेकिन भाई रमेश एक चीज में ना बहुत सही है काम करने में, लेकिन क्या काम करना है इसको भी याद नहीं रहता. और दूसरी चीज़ ये बिजली का काम बहुत बढ़िया करता है. हमारा फोन सुख बांगड़ हुआ है. कुछ ही तार का काम दे दो, फट दे से नहीं जोड़ देगा. तो भाई लोग कितनी जद्दोजहद और मेहनत मशक्कत के बाद हम घर पहुँच ही गए. 3 घंटे लगे हमें गुड़गांव से घर वापस आने में. इट वॉज़ अ टायरिंग शूट. शूट तो अच्छा था यार, शूट बढ़िया था. बट जो ट्रैफिक है बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह. दुनिया में बहुत, दिल्ली में, दुनिया में तो छोड़ो, दिल्ली में बहुत अमीर लोग हो रहे हैं भाई. इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतनी गाड़ियां हैं, रोड पर चलने की जगह नहीं है. और एक ये रमेश जी हैं, गाड़ी की जगह ही जगह है, गाड़ी नहीं लग सकती इनसे. ये भी भाई मेरी गलती, मैंने इसको गाड़ी दे दी कि चला लें. वैसे एक दिन तो थी भाई जब मैंने इसको गाड़ी दे दी, वो मेरी गलती थी. ऑलमोस्ट मैं नाम भी नहीं लेना चाहता. तो मैं घर पहुंच गया हूँ अभी. बाय, अगले ब्लॉग में मिलते हैं. टाटा बाय बाय, सी यू.